40 सेकंड देंगे आपको, उसके बाद 5 से 10वें प्रश्न तक आपको मिलेंगे 60 सेकंड, और 10वें प्रश्न के बाद समय समय आपकी सुविधा के लिए 4 लाइफ है सूरज उगाना। आपने हजारों महिलाओं के जिंदगी में जो सूरज उगाया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आपका श्वेता जी। ओके, अब हम आपको सूचना देते हैं कि हम लोग खेल तभी तक खेलते रहेंगे जब तक कि हुटर नहीं बचता। एक बार हुटर बच गया खेल समाप्त, समझ गए जी? क्या ख्याल है, शुरू किया जाए रोहन जी? बिल्कुल जी, जरूर। ओके, लेट्स प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन, हम तैयार हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, इसी तरह हंसते खेलते रहिएगा। पहला प्रश्न आ रहा है रुमा जी, सोनाक्षी जी, 1000 रुपए। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा, नर्सरी राइम बाबा ब्लैक शीप में इनमें से किसका उल्लेख है? व्हिच ऑफ दीज फाइंड्स मेंशन इन द नर्सरी राइम बाबा ब्लैक शीप? ऑप्शन सुनिए, ए सिल्क, बी कॉटन, सी लिलन या डी वुल। बाबा ब्लैक, एक है सिल्क, फिर कॉटन, याद है ना? क्या बात कर रही थी आप आपस में? मैं गाना गा रही थी इनके लिए। फिर ये गाना गा रही थी जी। ओके, क्या करेंगे? लगाइए कंप्यूटर जी, और ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका, 1000 रुपए जीत गए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा, अगर आप केर सांगरी खा रहे हैं तो आप क्या खा रहे हैं? केर सांगरी। सोनाक्षी जी कह रहे हैं क्या है ये? इफ यू आर हैविंग केर सांगरी, व्हाट आर यू एक्चुअली ईटिंग? ए चिकन, बी कैबेज, सी ग्रीन पीस, सी स्पिनच। चिकन, बंद गोभी, हरी फलियां या पालक? पक्का सी हरी फलियां। चोर है? बहुत ही कॉन्फिडेंट है ये तो। सोनाक्षी आप चोर नहीं? मुझे नहीं पता, कभी सुना ही नहीं होगा आपने। सुना ही नहीं है, और ये मम्मी का कंप्लेन होगा, मैंने कहा था हम कुकिंग सीखो, इसलिए नहीं जान। क्या करें, क्या करें, जल्दी बोलिए। हम यही खाते हैं, लॉक कर दीजिए। सी ग्रीन मींस, हरी फलियां, इस पे ताला लगा दें जी। सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी, बिल्कुल सही उत्तर है आपका, वाह। थैंक यू, बचा लिया। अब मम्मी कहेंगी अगर, यही मैं पूछने वाला था पूनम जी, कुकिंग आपने सुना था इसके बारे में? जी बिल्कुल सुना हुआ था जी। सोनाक्षी को आपने नहीं सिखाया? बोलेंगी अब घर जाके नाक कटवा दे, अब मैंने कहा था कुकिंग सीखो, कुकिंग सीखो, तुम कभी किचन में जाती ही नहीं हो, इसलिए नहीं पता था ये। कैर सांगरी, सूखे कैर और सांगरी की फलियों से बनी एक मसालेदार राजस्थानी सब्जी है जो विशेष रूप से मारवाड़ के रेगिस्तानी क्षेत्र में खाई जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं रुमा जी, सोनाक्षी जी, जी। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, अब ये रहा, एक योग आसन भुजंग आसन के संदर्भ में भुजंग का क्या अर्थ है? व्हाट डज द वर्ड भुजंग मीन इन रेफरेंस टू द योग आसन? भुजंग आसन, एक योग आसन भुजंग आसन के संदर्भ में भुजंग का क्या अर्थ है? आपके सामने विकल्प रखता हूं, ए क्रोकोडाइल, बी स्नेक, सी स्कॉर्पियन या डी कैमल। मगरमच्छ, सांप, बिच्छू या ऊंट? ऑडियंस पोल ले ले। भुजंग, भुजंग, लाइफलाइन लेना पड़े। लाइफलाइन कौन सी? ऑडियंस पोल, ऑडियंस पोल। ओके, बहुत जल्दी लाइफलाइन की आवश्यकता पड़ गई है। ऊंट लग रहा है कंप्यूटर जी। हाँ जी, ऊंट लग रहा है, ले लेते हैं लाइफलाइन। ऑडियंस पोल को अंकित किया जाए, और ऑडियंस आपकी बारी आ गई। सब लोग बहुत गंभीर दिख रहे हैं, सही उत्तर दीजिएगा इनको जिताना, प्लीज बता दीजिए। एक योग आसन भुजंग आसन के संदर्भ में भुजंग का अर्थ क्या होता है? ए मगरमच्छ, बी सांप, सी बिच्छू, डी ऊंट। और 15 सेकंड मिलेंगे, आपका समय शुरू होता है अब। योगा करते हो आप? ध्यान करते हैं। ये तो स्नेक, ज्यादातर जनता कह रही है बी सांप, जनता के साथ ए को मिला है 6%, लग रहा है सी को मिला है 1, और डी आप ऊंट पे जा रही थी, 36% दिया उसने। क्या करेंगे, जनता के साथ जाएंगे? जनता के साथ, जनता के साथ जाएंगे। अधिकतर जनता जो है
वो कह रही है बी। बहुत सारे लोगों ने क्या करें, जल्दी बोलो, 6 सेकंड जनता के साथ लॉक करें बी स्नेक। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। थैंक यू। अच्छा मैं आपको बता दूं कि संस्कृत में भुजंग सांप के लिए कहते हैं, भुजंग आसन को कोबरा पोज भी कहा जाता है। सोनाक्षी जी, आपने किया होगा योगासन, कोबरा पोज मालूम है क्या होता है आपको? मालूम है रूमा जी? जी, वो ऐसे वाला। अच्छा हाँ, लेट जाते हैं पेट के ऊपर और फिर दोनों हाथ इधर रख करके यहाँ से अपने शरीर को ऊपर उठाते हैं, ऐसे एकदम सर्प जैसे दिखता है जी। वहां से सांस छोड़ते हैं फिर नीचे आते हैं। जहर नहीं होता है उस आसन में लेकिन वो सांप की तरह दिखता है। अच्छा ही होता है वो आसन। और कई बार वो कमर के लिए बहुत अच्छा होता है, ऐसे बोलते हैं। अच्छा। एक जमाने में हम भी किया करते थे, फिर कमर जो था वो कमरा हो गया, इसलिए नहीं करते। रूमा जी बाड़मेर राजस्थान से हैं, 22,000 महिलाओं के इन्होंने काम पे लगा दिया है। एक ऐसे स्थान पर जहां पर हमेशा पर्दा रहता था, कहीं ना कहीं बाहर जाना आपके लिए संभव नहीं था, कोई ऐसी घटना घटी रूमा जी जिसने आपको प्रेरित किया कि नहीं अब मुझे ये जो प्रथा चल रही है इसको तोड़ना है और अपने भरोसे जाना है और काम करना है? शादी के 1.5 साल बाद में मेरा एक बेटा हुआ जी। तो उस टाइम मेरे पास में इतने पैसे नहीं थे कि उसकी मैं जिंदगी बचा पाती, अच्छे हॉस्पिटल में उसको इलाज के लिए ले जाती और 48 घंटा ही वो रह पाया, उसके बाद में मैं उसको नहीं बचा पाई। क्या आसपास चिकित्सा के कोई साधन नहीं थे जहाँ आप रहती? नहीं, डॉक्टर्स ने बोला कि आप बड़े हॉस्पिटल में लेके जाइए, यहाँ पे इनका इलाज नहीं हो सकता, लेकिन बड़े हॉस्पिटल के लिए रकम भी बड़ी चाहिए, लेकिन वो मैं हमारे पास में थी नहीं। हम नहीं, ये आवश्यक नहीं है कि बड़े अस्पताल में आपको बड़ी रकम चाहिए। कई ऐसे अस्पताल हैं अब तो देश में जहाँ पर बहुत सी ऐसी सब्सिडीज होती है, जहाँ पर अगर आपकी तरह कोई एक, उस टाइम बाड़मेर में ऐसी सुविधा नहीं थी, ये 2007-08 की बात है जी। पीने के लिए पानी नहीं था तो ऐसी सुविधाएं कहाँ से। आज तो बहुत कुछ बदल गया है, बाड़मेर भी काफी डेवलप हो गया है। उससे मुझे ये भी लगा कि मेरे जैसी कितनी महिलाओं होगी जो घुट घुट के जी रही है। आज ये घटना मेरे साथ हुई है लेकिन और भी महिलाओं के साथ में कई ऐसी घटनाएं हो चुकी है, तो इनके लिए भी मुझे कुछ करना चाहिए। और हम जब घर से बाहर पैर धर देते हैं तो महिला को कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने के लिए। कैसे आपके अंदर ये एक संकल्प आया कि अब मुझे ये काम करना है? काम पढ़े लिखे थे नहीं, तो बढ़ना और जाना क्या है। फिर हुनर को ही अपनाया और आगे बढ़े। तो दादी के साथ आप काम करती रहती थी? कपड़ा मिलता नहीं था पहनने के लिए, भेड़ की ऊन को कताई करके उनके धागे से कपड़े बुनते थे, फिर उसी ऊन के धागे को अलग कलर में रंग के उसके ऊपर कढ़ाई करते थे। ये घर के लिए बनाते थे या माँ अपनी बेटी के लिए बनाती थी। पहले फोन होता नहीं था, वो कैसे याद करे माँ को, माँ बेटी को। तो फिर वो अपनी सिंदूक खोलती और उसमें से जो माँ के हाथ का प्रोडक्ट बना हुआ होता उसको देख के वो तसल्ली कर लेती कि मेरे पास। आज इनके साथ यहाँ पर आकर मैं इनकी सबसे बड़ी फैन बन गई। हम सब बहुत बड़े फैन हो गए हैं। इनका एक डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगा। बोल दीजिए डायलॉग। चल झूठा। डायलॉग बहुत अच्छा बोला आपने, लेकिन जो उंगली आपने हमारी तरफ दिखाई ना ये गड़बड़ हो गई। अरे इधर भी मत दिखाइए, इधर उधर कहीं दिखा दीजिए। ओके ऑलराइट, रुमा देवी जी, सोनाक्षी जी, आगे बढ़ते हैं गेम में। चौथा प्रश्न है और इसका मूल्य है 5,000 रुपए। चौथा प्रश्न 5,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक कॉस्मेटिक ब्रांड केंद्र में भारत की सत्ताधारी पार्टी के प्रतीक और देवी सरस्वती में सामान है या समान है? What is common to a cosmetic brand, the symbol of India's ruling party at the center and goddess Saraswati? Option रख रहा हूं इससे पहले कि ये फुसफुसी हो जाए इनके कान में। A लक्ष्मी, B सन, C लोटस, D मैंगो। लक्ष्मी सूरज, सन लोटस यानी कि सी लोटस कमल, मैंगो। C
सी लोटस। ताल लगा दें? जी। निश्चित है? जी। आपने स्वयं सोचा है या जो इन्होंने फुसफुस किया कान में? इन्होंने बोला तो मुझे ध्यान आ गया। हाँ आपको आ गया। चलिए क्या किया जाए? लगा दें लोटस सी, ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी बिल्कुल सही उत्तर है आपका और जीत गए आप 5,000 रुपए। अब आ रहा है खेल का पहला पड़ाव, यह है 5वां प्रश्न 10,000 रुपए। रूमा जी और सोनाक्षी जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इस वीडियो क्लिप में कौन सा मंदिर नजर आ रहा है? अभी आपको एक वीडियो दिखाया जाएगा जी, आपको बताना है कि विच टेम्पल कैन बी सीन इन दिस वीडियो क्लिप। कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज कंप्यूटर जी। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय लोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, शुक्रदेव हे महेश्वरा, शुक्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। विकल्प रखता हूं आपके सामने, ए केदारनाथ, बी बद्रीनाथ, सी जगन्नाथ या डी अमरनाथ। ए केदारनाथ। श्योर है? जी। फट करके बोल दिया। क्या किया जाए? लॉक। लॉक कर दें। ओके ए ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी आप बिल्कुल सही हैं, पहला पड़ाव पार कर लिया आपने, 10,000 रुपए जीत लिया आपने। ये जो वीडियो क्लिप था ये एक फिल्म से है, फिल्म का नाम था केदारनाथ, इसके निर्देशक थे अभिषेक कपूर। और केदारनाथ मंदिर भगवान शिव का मंदिर है, ये उत्तराखंड में गढ़वाल के हिमालय पर स्थित है, मंदाकिनी नदी के पास स्थित है। पता नहीं आप वहाँ जाने का आपको कभी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि नहीं, नहीं हुआ जाइएगा, बहुत सुंदर मंदिर है ये। जरूर। ओके तो रूमा जी आप फिल्में वगैरह देखते हैं या नहीं? हमारे पास में लाइट ही नहीं होती थी, टीवी कहाँ से आएगा। अच्छा ये जरूरी नहीं कि आप फिल्म जो है वो टीवी पर ही देखें, है कि नहीं? हो गए। हाँ ये भी बात सही है, लेकिन कभी भी आपके मन में नहीं हुआ कि आपको फिल्में देखना चाहिए थिएटर जा करके? सर ये बात बताऊं, घर जाने के लिए टाइम नहीं होता, बच्चे को भी टाइम नहीं दे पाते। हाँ। पहले लेकिन हमने 2-3 पिक्चर्स देखी जरूर। देखी है आप? कौन सी है वो? सूर्यवंशम। और सन ऑफ द सरदार। वाह क्या बात है। मेरी भी देख ली। और सुई धागा। सुई धागा वो फिल्म देखी आपने? वाह हाँ उसमें तो इन लोगों का इसके ऊपर बनी हुई है। इन पर ही है जी, है देखी तो बहुत दिनों बाद थी, जब सबने देख ली तो मैंने कहा अब तो मैं भी देख लूं। नहीं नहीं अच्छा है, अच्छा है। ओके रूमा जी आपको ये जो वेब शुरू कर दिया आप, तो बिजनेस मिलता कैसे आपको? वैसे हम पहले सैंपल बनाते हैं और फिर एक बैग में भर के लेके जाते हैं, जो बड़े ब्रांड्स है उनको दिखाते हैं कि हम ऐसा हाथ से प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर आपके स्टोर के लिए बनाना है तो हम बनाएंगे। तो कुछ ऑर्डर मिलता है बड़े स्टोर से, बाकी हम ज़्यादा एग्जीबिशन करते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट है वो हाथों हाथ बिक जाए और पैसे मिल जाए, तो उससे नया सामान आसानी से बना सके। तो आपको कुछ लिखित पढ़ित होता है या ऐसे ही बोल देते हैं कि चलो बना दो भैया 10-20? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आपके पास कोई एकाध विशेषज्ञ होना चाहिए, कानून जानता हो, जो बिजनेस जानता हो, हमारे कागज पत्र जो आपका सही करवा दे, कल को जाकर के आपको कहे नहीं हम तो आपको नहीं देंगे पैसा। तो जो हम हमारे अभी सेक्रेटरी है विक्रम सिंह जी, वो हमारी पूरी अच्छा, मदद हाँ, कर रहे हैं। वो है वो मदद कर रहे हैं आपकी? वो मदद कर रहे हैं शुरू से लेके आज भी, वो हमारी बहुत मदद कर रहे हैं मार्केटिंग के लिए। जी जी। तो उसी की वजह से हम आज यहाँ तक भी पहुँच पाए हैं। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब। विक्रम जी हमारे साथ बैठे हुए हैं यहाँ पर, आई थिंक आप यहाँ तक पहुँच गई है खुद के बलबूते पर, तो आई थिंक अब नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि आपको अपना खुद का ब्रांड शुरू करना चाहिए। हाँ हाँ उसके लिए काफी सारी चीजें हैं, हमें तो नहीं पता कैसे ब्रांड बनता है। तो विक्रम जी आप कुछ बताना चाहेंगे? आपको तो ये भी नहीं पता था कि ये सब कैसे होता है। फिर वो विक्रम जी कह रहे हैं कुछ। सर ऐसा है कि रूमा जी ने जो नाम कमाया है मेरे हिसाब से वही सबसे बड़ा ब्रांड है, और अब उनको क्या विचार करना है। जी जी तो बाकी सारी चीजें बहुत फेवर में है कि आज 22,000 आर्टिजन स्किल्ड है रूमा जी के साथ में, और बड़े ब्रांड भी आज रूमा जी को पहचानते हैं, तो अब मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, ब्रांड है रूमा देवी खुद अपने आप में ब्रांड है। रूमा जी ने महिला शक्ति के लिए काम किया है जी, उसको लेकर के उस पदार्थ को एक आप नाम दे दें जी,
तो जो ये पदार्थ खरीद रहा है जी, वो कहीं ना कहीं योगदान दे रहा है महिला शक्ति को जी। अभी एक गवर्नमेंट एजेंसी ने उनके जो गवर्नमेंट के शोरूम से उसमें एक कॉर्नर रखा और उसमें सारे रूमा देवी के नाम से प्रोडक्ट रखा, उसके ऊपर टैग भी लगाया और फोटो के साथ लगाया। वाह बहुत होगा। जब यहाँ पर आए गए हैं तो ये जिम्मा मैं भी लेती हूँ कि आपका ब्रांड बनाने में मदद भी करूंगी और आपकी ब्रांड एम्बेसडर भी बनूंगी। क्या बात है, चलिए हाथ मिलाइए। रूमा जी, इससे पहले आपने बताया कि महिलाओं की स्थिति जो थी वो बहुत नाजुक थी, अच्छी नहीं थी। जब से आपने काम अब शुरू कर दिया उसके बाद अब क्या स्थिति? जब हमने काम शुरू किया था तभी तो घूंघट उठाना भी अलाउ नहीं था और घर से बाहर निकलना तो बिल्कुल अलाउ नहीं था, लेकिन वही महिलाएं आज बाड़ में शहर नहीं, राजस्थान नहीं, दिल्ली बॉम्बे जैसे शहर में आके अपने खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट सेल कर रही है। इससे अच्छा तो मुझे क्या ओके रुमा जी, अब खेल को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं। ओके, अब आ रहा है छठा प्रश्न जी। अब आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए मिलेंगे 60 सेकंड, ठीक है? छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इस प्रकार की लोक चित्रकला इनमें से किस जनजातियों द्वारा बनाई जाती है? This form of folk painting is created by which of these tribes? अरे चलिए पहले इमेज देख लेते हैं फिर उसके बाद ऑप्शन देते हैं। दिखाया जाए, देखें क्या है ये। समझ गए, ठीक से देख लिया रुमा जी? कुछ पहचान में आ रहा है आपके? थोड़ा बहुत आ रहा है। अच्छा, तो बस मैं आपके सामने विकल्प रखता हूँ, शायद और कुछ चीजें जागृत हो जाए आपके दिमाग में। ए गोंड, बी मीना, सी जॉन सारी या डी असुर। गोंड मीणा ट्राइब, जॉन सारी कौन सी ट्राइब है या असुर पेंटिंग बनाते हैं मेरे ख्याल से? मुझे ये दो जाति समझ नहीं आ रही है। हाँ, कौन जनजाति बनाते हैं इस तरह की चित्र? मुझे असुर लग रहा है बट आई एम नॉट श्योर एट ऑल। इसी को लाइफ लाइन लेंगे आप? शांत हो जाएं गरिमान जी, एक और लाइफ लाइन लेना चाह रहे हैं रोमा जी और सोनाक्षी जी। तीन बची हैं, 50-50 फ्लिप द क्वेश्चन। तीनों सब बड़े भयंकर हैं। नहीं पता कौन से उसमें से 50-50। हमारे वहाँ एसी के आर्टिजन जो ये बनाती है और मीणा भी बना सकती है, लेकिन मुझे ये दोनों जाति समझ में नहीं आ रही। नहीं पर नहीं समझ में आ रही तो नहीं लेते, फ्लिप द क्वेश्चन कर ले, कोई और सवाल आ जाएगा। अभी मीणा लग रहा है लेकिन ये दो। देखिए अगर आपके मन में असल है कि तो आप ये जो 50-50 लाइफ लाइन है इसमें दो गलत मिट जाएंगे, दो बचेंगे, हो सकता है उनमें से एक हो। जैन सारी नहीं करते हैं और गोंड और असुर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन सी कास्ट है। अगर आपको समझ में नहीं आ रही और वो हो तो देवी जी हमको उत्तर नहीं मालूम। अब आपको लाइफलाइन लेनी पड़ेगी। 50-50 कर ले। 50-50 पक्का? चलो ये कह रही है 50-50 तो 50-50 लाइफलाइन। ओके, इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। ओके, और अब देखिए आपके सामने जो दो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे, मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। गोंड और मीणा दोनों में से एक सही है एक गलत है, बोलिए। घड़ी मान जी चल पड़े, जल्दी बोलो। ऐसी पेंटिंग्स होते हैं। मीणा, बी मीणा, बी मीणा पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। हे भगवान, सही उत्तर है आपका, बच गया। पहले शायद ये सही जा रही थी है ना, पहले सही जा रही थी जी। मंदाना राजस्थान और मध्य प्रदेश की लोक कला का एक रूप है ये, मंदाना इसको बोलते हैं। मीणा नामक एक जनजाति द्वारा बनाया जाता है ये आमतौर पर महिलाओं द्वारा घर की दीवारों और फर्श पर बनाई जाती है। माना जाता है कि ये चित्रकला खुशहाली लाता है और बुराइयों को दूर रखता है। ओके, 20,000 रुपए जीतने, 6 प्रश्नों का उत्तर हो गया है, 2 लाइफ लाइन चली गई, कोई बात नहीं, 2 अभी भी बची हुई है। 7वां प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 40,000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा।
इनमें से कौन से मुगल शासक महाराणा प्रताप का समकालीन थे? Which of these Mughal rulers was a contemporary of Maharana Pratap? A. Babar, B. Aurangzeb, C. Bahadur Shah Zafar, ya D. Akbar. समकालीन राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी होनी चाहिए. लाइफलाइन. एक और कौन हो सकता है? मुझे औरंगजेब लग रहा है, बट आई एम नॉट श्योर. लाइफलाइन. शांत हो जाए गलीमान जी, एक और लाइफलाइन आ रही है. अब आपके पास दो बच्चे हैं. अलर्ट पलट, फ्लिप द क्वेश्चन. यहां से फ्लिप करें. फ्लिप okay. कर दीजिए यार. कबीर महाशय, रुमा जी, सोनाक्षी जी, ये एक और लाइफलाइन लेंगी. फ्लिप द क्वेश्चन, अलर्ट पलट, इसको अंक दिया जाए. और जैसा कि आप चाह रहे हैं, ये प्रश्न को हटा देंगे, एक नया प्रश्न आएगा. लेकिन जाने से पहले इसका उत्तर देना पड़ेगा हमें. किसी एक को गेस कीजिए. डी अकबर. डी अकबर. इनको अकबर लग रहा है, मुझे औरंगजेब, बट आप अकबर लॉक कर दीजिए. ओके, डी अकबर पे ताला लगाया जाए. प्रणाम करता हूं पूनम जी आपको. ये उत्तर बिल्कुल सही है. बोल देते. और पूनम जी को हम बता दे, बताइए, आप ही बताइए, कौन सी फिल्म में आपने उनकी माता का रोल किया था? जोधा अकबर. जोधा अकबर में माँ का रोल प्ले किया था इन्होंने. ओह नो, कैरेक्टर एक था. सोनाक्षी, आज बहुत मार पड़ने वाली, मैं बता रहा हूँ. एक तो वो खाना पकाने की बात आ गई. महाराणा प्रताप और अकबर दोनों ने 16वीं शताब्दी में शासन किया. महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक थे. आप बिल्कुल सही जा रही थी. कभी कभी मन की बात सोच लेनी चाहिए और बोल देनी चाहिए. इन्होंने औरंगजेब बोला तो मैं कंफ्यूज हो गई. मैं कंफ्यूज नहीं हुई है. चलिए, अगला सवाल आप ही देंगी जवाब. कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं. तो जैसा कि आपने कहा था कि ये जो प्रश्न है इसको बदल दिया जाए, अब हम इस प्रश्न को हटा देंगे. तो हमारे पास यहाँ पर आमतौर पर तकरीबन 11 विषय होते हैं. उनकी एक सूची है यहाँ पर, देखिए. हमारे पास एंटरटेनमेंट है, लैंड, पीपल, हेरिटेज, बिजनेस, नेचर. यहाँ पर आने से पहले आपने किसी एक विषय को चुना था और वो विषय था साइंस एंड टेक्नोलॉजी. वो मैंने, आपने ये नहीं चुना था? मैंने चुना था. आपने चुना था जी. ओके, विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी. बहुत बहुत धन्य है कि आपने ऐसा विषय चुना है सोनाक्षी जी. और ये प्रश्न अब हट जाएगा और इस विषय को लेकर के अगला प्रश्न आएगा जी. साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बताइए. कंप्यूटर महाशय, इसी विषय को लेकर के अगला प्रश्न रखिए हमारे सामने और सोनाक्षी जी ही खेलेंगी इसे. इनमें से किसके साथ नॉन स्टिक कुकिंग बर्तनों को कोट किया जाता है? और बोलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी. विथ विच ऑफ दीज आर नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स आर कोटेड? ऑलराइट, प्रश्न है. अब विकल्प देखिए. ए पीवीसी, बी टेफ्लॉन, सी ग्रेफाइट या डी पॉलिस्ट्रीन. बी टेफ्लॉन. श्योर है? जी. बी पता लगा दें? जी. ओके, बी पता लगाया जाए. बिल्कुल सही जवाब है आपका. कौन कौन हंसा था मुझ पे? Well played. कौन हंसा था मुझ पे? नहीं, हम हंसी नहीं रहे थे. हम तो तारीफ कर रहे थे आपकी. बिल्कुल. Teflon is the plastic with the lowest coefficient of friction. It is used as a non-stick coating for pans and other cookware. अभी अभी मिशन मंगल में साइंटिस्ट का रोल प्ले किया था. हाँ. Well played, Sonakshi. Well played. Thank you. All right. आठवां प्रश्न डालने से पहले, रुमा जी, ऐसा सुना है हमने कि आप जहाँ रहती हैं ना, वहाँ महिलाओं को घी, गुड़, ये सब खाने मना है. क्यों? जो घर में बहू आती है तो उनको मतलब ऐसे आजादी नहीं होती कि आप घी भी खा सकते हो, गुड़ भी खा सकते हो, मन हो गया तो आज हलवा बना के खा सकते हो, ऐसा नहीं होता है. वो सिर्फ लड़कों के लिए होता है. लड़कियों को तो सिर्फ सास दाल रोटी खाना होता है. ऐसा क्यों? क्योंकि यही हमारे समाज की रीति है कि महिला को बाहर नहीं आने देते. यही है, एक दूसरे के घर नहीं जा सकते. वो अगर कोई तकलीफ में है तो किसी को बता भी नहीं सकती.
तो ऐसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी, बताना चाहूंगी एक स्टोरी कि वहाँ पे लड़कियाँ होती है तो समाज वाले बोलते हैं कि अभी तक लड़का नहीं हुआ है। तो ऐसे हम भी सात बहने हैं वैसे, और अभी हमारा एक छोटा भाई है, लेकिन एक महिला के पांच लड़कियां थी, उनको इतने ताने सुनने को मिल रहे थे कि अभी तक बेटा नहीं हुआ है, या तो दूसरी शादी कर दो इनकी। तो फिर उसने 500 लड़कियों को टांके में डाल दिया और खुद भी टांके में कूद गई। आई थिंक आप और मेरी जैसी महिला और ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो आज अपने माँ बाप का, अपने देश का नाम बहुत रोशन कर रही है, और इन्हीं महिलाओं को, इन्हीं लड़कियों को हमें आगे रखकर इनका एक एग्जाम्पल बनाना चाहिए कि देखो बेटियां भी आपका नाम रोशन कर सकती हैं। एंड आपको इस बात का बहुत गर्व होना चाहिए कि आप उन बेटियों में से एक हो। आपने ना सिर्फ अपनी मदद की है, बहुत सारे और महिलाओं की मदद की, और इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। जब मैं भी फील्ड में जाती हूँ और मेरे आर्टिजनों के साथ में बैठती हूँ तो यही बात रखती हूँ, आप अपनी बेटी पाकर मतलब उदास मत होइए, खुश होइए कि हमें बेटी हुई है, हमारे घर में लक्ष्मी आई है। बिल्कुल सही कहा आपने। और उनको पढ़ाइए और आगे बढ़ाइए। आपकी जो सास जी हैं वो आपको सपोर्ट करती हैं? नहीं, अभी तो बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे बेटे। पहले नहीं किया था। हाँ, शुरुआत में तो बहुत सारी दिक्कत हुई थी, मैंने फिर घर से अलग एक रूम लेके काम शुरू किया था जिसमें प्लास्टर भी नहीं हुआ था। उस रूम में मैंने दिन रात मेहनत करके ये काम शुरू किया, और आज पूरे परिवार में मुझे बहुत इज्जत मिलती है, और जो भी काम होता है डिसीजन मैं ही लेती हूँ। बहुत खूब। रूमा जी, हमारे पास एक जिन महिलाओं के साथ आप काम कर रहे हैं उसका एक वीडियो हमने बनाया हुआ है, हम चाहते हैं कि सब लोग देखें उसे। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मेरा नाम मोहिनी है। मेरे ससुराल वो गरीब थे लोग, तो वहाँ पे कोई इनकम नहीं था, तो मैंने सोचा क्या काम करूँ। मेरे घर वाले वो मेरे को बाहर निकलने नहीं देते थे घर से। फिर मेरे को पता चला धीरे धीरे कि यहाँ पे एक बहन आती है। मैंने पता किया तो मेरे को पता चला कि रूमा देवी के यहाँ से। रूमा जाए के मैं सस्ता आमा खोली है, तो आप समूह बनाओ, घर बैठे हमारा काम कोई कुशन वगैरह बनाओ, तो मैं पैसा अच्छा दूंगी। एक इंच के मुंह आठ खंड भरीजे। उसके बाद रूमा जी ने 15 दिन की ट्रेनिंग दी, उसमें जो महिलाएं सिलाई कर रही हैं उनको मतलब कटिंग सिखाना। कुशन वगैरह है, बेड कवर है, कर्टन है, टेबल कवर है, पिलू कवर है, यही मैं बनाती हूँ। बढ़िया लगे हेड बना देना। घर बैठी बैठी मैं 10,000-15,000 कमाने लगी। मैं बाजार जाती हूँ, हर चीज़ हमारे बच्चों को लिए खरीदती हूँ, किताब कॉपी कपड़े, तो हमारे पति से एक रुपया नहीं मांगती हूँ। मेरी ज़्यादा इनकम हो गई तो मैं इससे मेरे घर का खर्चा चलाती हूँ, मेरी बेटी को स्कूल भेजती हूँ, तो अब मेरे घर वाले वो मेरे को मना नहीं करते कहीं जाने। अब तो मैं दिल्ली जा सकती हूँ, जयपुर, कहीं भी जा सकती हूँ। अभी भी मुझे मना कर रहे हैं ससुराल वाले, फिर भी मैं आगे कोशिश कर रही हूँ। रूमा जी ने हमारा मेरा बहुत सहयोग दिया, मैं तो रूमा जी की बहुत आभारी हूँ। जहाँ भी रूमा जी मुझे बुलाएंगे मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। जो रूमा जी की संस्था में काम करने वाली कुछ साथी आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, मैं इनका परिचय देना चाहता हूँ सबको। सुगनी देवी जी हैं, कहाँ हैं सुगनी जी, प्रणाम आपको। फिर है सरोज देवी जी, चुन्नी देवी जी, मोहिनी देवी जी, अमरु देवी जी और जेठी देवी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हम बहुत खुश हैं कि आज आप यहाँ आए हुए हैं, बहुत बहुत बधाई। आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम चुन्नी है जी, और मैं ये रूमा देवी मेरी भाभी है। आप बता दीजिए। मेरे लिए रूमा जी तो बहुत ही आभारी रहती थी इनके लिए। मैं रूमा जी ने जो मुझे ये काम दिया इससे मैं मतलब घर में काम करती थी, और मेरे हस्बैंड को, हम दोनों पढ़ाई करते थे, पर इतनी परिस्थिति बदल गई थी कि हमारे पास आर्थिक स्थिति के बदल कमजोर थी,
इसलिए हमारे पास कुछ था नहीं पैसा वगैरह, तो भाई पति भी नहीं पढ़ पा रहे थे, मैं भी नहीं। मैंने कहा मैं कसीदाकारी का काम करके आप पढ़ाई कीजिए, आज इस कसीदाकारी में जो मैं काम करके उनको मैंने पढ़ाया और आज वो रेलवे में नौकरी है और मेरी जीवन बन गया है उमा दीदी के पीछे। वाह वाह, तो देवी सज्जनों आप सुन रहे हैं, पतिदेव और ये दोनों शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे थे, शिक्षा नहीं हो पा रही थी क्योंकि इनके पास धन नहीं था कि आगे पढ़ाई कर सकें। एक पत्नी ने कढ़ाई शुरू की ताकि वहां से जो कमाई होगी वो अपने पतिदेव को शिक्षित कर सके। बहुत ही सुंदर ख्याल आते हैं आपको, बहुत कम महिलाएं इस तरह के सोच में रखती हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। ओके, अब गेम को आगे बढ़ाते हैं सोनाक्षी, बहुत ध्यान से खेलिएगा, आपके पास केवल एक लाइफलाइन बची है, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन है ये और बहुत सोच समझ कर उसका इस्तेमाल भी कीजिएगा क्योंकि हम चाहते हैं कि आप आज यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर जाएं। अब आ रहा है आठवां प्रश्न जिसका मूल्य है 80,000 रुपए। रेडी, 80,000 रुपए, आठवां प्रश्न, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस फिल्म को पहचानिए जिसमें ये गीत है। Identify the movie in which this song appears. Can we have the video, please? डालें विकल्प कि ना डालें? चलिए डाल देते हैं। ए, मैंने प्यार किया। बी, मैंने प्यार क्यों किया। सी, जब प्यार किसी से होता है। डी, प्यार किया तो डरना क्या, यानी प्यार को तो छोड़ ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। मेरी पहली फिल्म इनके साथ थी और ये उनकी पहली फिल्म है। ए, मैंने प्यार किया। क्या करें? लॉक करिए। मैंने प्यार किया ए। कबीर महाशय ताला लगा दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है आपका। बच गए। अब आ रहा है नवा प्रश्न, 1,60,000 रुपए इसका मूल्य है। रूमा देवी जी, सोनाक्षी जी, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रामायण के अनुसार हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे? आपको According to the Ramayana, Hanuman fetched the Sanjeevani herb for whom? Option rakhu, A, Sugriv, B, Lakshman, C, Sita, ya D, Ram? Mujhe bhi yahi lag raha hai. Sita. C, Sita lag raha hai. Sanjeevani booty kiske liye laye the? Lakshman, Ram, राम राम, मुझे राम लग रहा है। एक ही लाइफलाइन बची है, आस्क द एक्सपर्ट। जी जी, आई थिंक ले लेते हैं। ले लेते हैं, ले लेते हैं लाइफलाइन। शांत हो जाए घड़ीमान जी, इसको अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और श्वेता जी आइए और इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए ताकि ये 1,60,000 जीत सके। श्वेता जी नमस्कार, एक बार फिर स्वागत आपका। एकदम ब्लैंक हो गया। तो प्रश्न तो आपने सुन लिया होगा श्वेता जी, ऑप्शंस में देता हूं आपको, ए सुग्रीव, बी लक्ष्मण, सी सीता, डी राम। रामायण सीरियल भी हमने बचपन से ही देखा और रविवार के दिन वो आता था, तो सबसे पहले, इससे पहले ये घड़ी रुक जाए, आपको पहले जवाब बता दूं, लक्ष्मण है सही जवाब। वो मूर्छित हो गए थे और उनके लिए हनुमान गए थे और संजीवनी बूटी लेकर के आए थे, और सीरियल और पिक्चर शुरू से इतना हमारे जीवन को प्रभावित करते रहे कि जिन्होंने किताब नहीं भी पढ़ी हो उनको भी याद हो जाए। लक्ष्मण सही जवाब है, इसको आग बंद करके क्या करेंगे? बी लक्ष्मण। बी लक्ष्मण, ताला लगा दें। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। लग ही रहा था, घायल हो गए। बिल्कुल सही जवाब है, सीता जी आपने इनको जितवा दिया है 1,60,000 रुपए। मेघनाद का बाण लगने से लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में थे, तब
वैद्यराज सुसेन ने कहा अगली सुबह तक द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाकर पिलाने के बाद ही लक्ष्मण के जो प्राण हैं वो बच सकते हैं। ये सुनकर पवनसुत हनुमान बूटी लाने के लिए चले गए और पूरा पर्वत उठा करके ले आए, क्योंकि उनको पता नहीं था कि ये कौन सी जड़ी बूटी है। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्वेता जी। थैंक यू श्वेता जी। और हमको बहुत बातें करनी है अभी इस विषय पर। मुझे लग ही रहा था लक्ष्मण है, बट मैं इनके लिए इतनी नर्वस हूँ कि मैं कोई भूल चूक नहीं करना चाहती। आपके पिताश्री का नाम है शत्रुघ्न। आप सच में? आपके जितने चाचा हैं वो सब रामायण से संबंधित हैं। मेरे घर का नाम रामायण है। शत्रुघ्न सिन्हा जी के जो तीन भाई हैं उनका नाम है, बोलिए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। मेरे भाइयों का नाम, जहाँ आप रहते हैं उस घर का नाम है रामायण। आपको ये नहीं पता कि लक्ष्मण के लिए लाए थे जड़ी बूटी? मुझे लगा था लक्ष्मण के लिए लाए थे। आप लोगों ने निर्णय कर लिया है, आज मुझे पिटवा के ही रहेंगे। मैं जी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ आपको। रामायण के गेट बंद हो जाएंगे मेरे। ये जो आज का कार्यक्रम है ये हमारे भाई साहब को मत दिखाइएगा, शत्रु भैया को। जहाँ कहीं भी होंगे अपना प्रचार कर रहे होंगे, राजनीति को छोड़ छाड़ के चले आएंगे। ओके रुमा जी, सोनाक्षी जी, चारों लाइफ लाइन आपकी चली गई है। अब आ रहा है दसवां प्रश्न, जो कि है खेल का। अब आप ही आलम करिए। मैं जवाब दूं? काश मैं ऐसा कर सकता, लेकिन ये दसवां प्रश्न है खेल का, दूसरा पड़ाव, इसे खेल जाइए और उत्तर दे दीजिए। 3,20,000 रुपए दसवां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नरेश गोयल ने किस एयरलाइन की स्थापना 1993 में एयर टैक्सी ऑपरेटर के रूप में की थी, जिसे बाद में एयरलाइन का दर्जा दिया गया। विच एयरलाइन वॉज फाउंडेड बाय नरेश गोयल, बिगैन एज एन एयर टैक्सी ऑपरेटर 1993 एंड वॉज लेटर ग्रांटेड एयरलाइन स्टेटस। ऑप्शन सुनिए, ए स्पाइस जेट, बी जेट एयरवेज, सी इंडिगो, डी किंगफिशर। बोल दो बी जेट एयर। बी जेट एयरवेज। ऐसे बोला आपने, वाह क्या बात। क्या कह रहे हैं, ताला लगा दें? जी। ओके, कमीरो बादशाह, बी जेट एयरवेज पे ताला लगा जाए, देखें सही उत्तर है या नहीं। ये बिल्कुल सही जवाब है आपका और आप जीत गए 3,20,000 रुपए। बहुत बहुत बधाई आपको और जोरदार तालियां बज जाए देवी और सजमैन के लिए। एक चेक आ रहा है इनके नाम, लीजिए आपका चेक, 3,20,000 रुपए का चेक। बहुत बहुत बधाई आपको रूमा जी। बहुत इत्मीनान हो रहा है हमको। हम सोचे थे कि आप वहीं अटक जाएंगे 30-40 पे, लेकिन पहुंच गई हैं आप 3,20,000। सोनाक्षी जी थैंक यू सो मच, नॉट एट ऑल, बड़ी मदद की आपने इनकी, टीम वर्क। अब हमको बताइए रूमा देवी जी, ये जो धनराशि जीती है इसका क्या कीजिएगा? हम जब काम कर रहे हैं बाड़मेर जैसे एरिया में, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। जब हमें 10 रुपए का धागा लेना होता है, हमें 1,000 रुपए किराया देके दिल्ली जाना पड़ता है धागे के लिए। ओहो। जब हमें कपड़ा ऑर्डर करना पड़ता है तो साउथ से कपड़ा मंगवाते हैं जो हमें चाहिए वो, या बॉम्बे से मंगवाते हैं या दिल्ली से मंगवाते हैं, तो उसमें 15-20 दिन टाइम लग जाता है या महीना भर लग जाता है, तो हमारा ऑर्डर कैंसिल भी हो सकता है और लेट भी हो सकता है। फिर डाइंग, जो हमारे वहाँ पे डाइंग कलर फास्ट नहीं होता है, उसके लिए वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, तो हमें जयपुर भेजना पड़ता है, तो उसमें 20-25 दिन उसमें लग जाते हैं। ऐसे करके काफ़ी सारे ऑर्डर्स हमारे कैंसिल भी हो गए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि एक ऐसा फैसिलिटी सेंटर बनाया जाए जहाँ पे सारी चीज़ें उपलब्ध हो और सैम्पलिंग फटाफट बन जाए, उसके बाद जो स्टॉक है उसमें काफ़ी सामान बन जाए, उसके बाद में धीरे धीरे कपड़ा आ जाएगा। एक बात मैं और बोलना चाहूँगी, जो हमारे गांव में दूर दूर ढाणियाँ में लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है कि गांव है और इकट्ठे घर है वहाँ पे लोग रहते हैं, दूर दूर 1 किलोमीटर पे एक घर है, दूसरे किलोमीटर पे दूसरा घर है, तो ऐसे में हमारे पास में गाड़ी भी नहीं है, हम एक रेंट पे मोबाइल वैन लेके जाते हैं और उनसे चला रहे हैं अभी तक। जी जी।
और जो हमारी बहने ट्रेनिंग कर रही है उनके लिए भी बैठने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि हमारा जो सेंटर है वो हमने रेंट पे ले रखा है, और अगर हमारे पास में कुछ अच्छी राशि होगी तो हम वो सेंटर बनाना चाहेंगे जहाँ पे महिलाएं एक साथ में बैठ के कुछ सीख पाए। क्या बात है, बहुत गुड। आपके पिताजी से हम आप बात करना चाहेंगे, आपको कैसा लग रहा है भाई साहब? हमारे जो इलाके को देखते हुए जो मेरी बेटी ने नाम कमाया है, इनसे और बेटियां हैं वो प्रेरणा लेकर के और आगे बढ़ने की कंपटीशन कर रही है कि हम पढ़ लिख के रूमा जी से भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो मुझे बहुत बड़ी खुशी है। जैसी बेटी मेरे को मिली है ऐसी सभी पापाओं को ऐसी बेटी मिले और ऐसा ही नाम रोशन करे जैसे गौरव से सीना फूल जाए। आपका आशीर्वाद बना रहा है इनके ऊपर बस। तो जितने भी मैं समझता हूँ माता पिता होते हैं आजकल हमारे समाज में, हमको बेटियों के ऊपर बड़ा गर्व होता है, और आपने इस तरह से अपने समाज के साथ एक तरह से आपने भी एक युद्ध लड़ा है, क्योंकि आपने कहा कि नहीं, हम अपनी बेटी को आगे जाने देंगे, जो पर्दा है उसे निकलने देंगे, जो कुछ भी समाज ने कहा उसके साथ आपने विचारधारा अपनी नहीं जमाई। लेकिन आपने आदमी होते हुए सातों बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए पूरा सहयोग, और मेरी तमन्ना है कि एक से एक बेटी आगे बढ़ के नाम रोशन करे, और छोटा भैया इनको उनको भी साथ लेके चले, मुझे ये चाहिए और इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। वाह, बहुत खूब, बहुत बहुत बधाई। माता पिता की बात हो रही सोनाक्षी जी, शत्रुघ्न सिन्हा को कैसा लगा आपके पिताजी जब उन्होंने आपकी पहली फिल्म देखी? एक्चुअली उनके पास कोई शब्द नहीं थे, मैंने उनकी आंखों में देख लिया था कि उन्हें कितना गर्व महसूस हो रहा था, और वो खुद यकीन नहीं कर पा रहे थे कि मैं अपनी बेटी को स्क्रीन पर देख रहा हूँ, और उन्हें मेरा काम इतना पसंद आया। आई थिंक उन्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, एंड आई थिंक इससे बड़ी बात एक बच्चे के लिए, एक बेटी के लिए स्पेशली, ये नहीं होती कि वो अपने माता पिता को प्राउड फील कराए। एंड जब ये फीलिंग मुझ में आई, मैंने देखा ये, तो आई थिंक तभी मेरा जीवन सफल हो गया था। बहुत बहुत बधाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सोनाक्षी। एक पिता के लिए बड़े गर्व की बात होती है जब अपनी संतान को देखते हो, खास तौर से बेटियों को जब देखते हैं वो, कि वो सफल हो रही हैं, समाज में आगे बढ़ रही हैं। मेरी माँ का प्यार तो नहीं मिला, जब मैं 4 साल की थी तो मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी, लेकिन पापा का प्यार जरूर मिला। आप अपने आप को अलग मत समझिए, जितने लोग आज का कार्यक्रम देख रहे हैं सब आपके साथ हैं। ओके, बिग हैंड फॉर रूमा देवी जी। ओके रूमा जी और सोनाक्षी जी, ये जो है खेल का दूसरा पड़ाव ये पार हो गया है, 10 प्रश्नों का सही उत्तर, 3-20 आज आप निश्चित रूप से ले जाइएगा यहाँ से। घड़ीमान जी शांत हो गए हैं, अब आपके पास समय समय हाँ। और यहाँ पर हमारा जो एकदम चोटी का प्रश्न होता है, 16वां प्रश्न, 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। अगला प्रश्न जो है वो है 11वां प्रश्न, इसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। इस प्रश्न को खेलिएगा जरूर, क्योंकि यहाँ अगर दुर्भाग्यवश अगर ये गलत हो गया तो आप कुछ खोइएगा नहीं। अब तो लाइफलाइन भी नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल, अब तो कोई बात नहीं, लेकिन अब हमें क्या है कि बुद्धि। ओके रूमा जी, सोनाक्षी जी, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राजनीति में आने से पहले इनमें से कौन से मुख्यमंत्री अपने पिता के साथ जादूगरी का काम करते थे? Which of these chief ministers of India used to work as a magician with his father before joining politics? Okay, option suniye. A. Bhupesh Baghel. B. B.S. Yedurappa. C. Devendra Fadnavis. D. Ashok Gehlot. आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची है, लेकिन जैसा कि हमने कहा इसको खेलिएगा जरूर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है आप कुछ खोइएगा नहीं। आपको अशोक, क्या लगता है आपको? अशोक गहलोत। क्या करना चाहेंगे अभी इस पड़ाव से? तो नीचे लग रहा है, बाकी वाले तो नाम नहीं सुने मैंने। क्या सोचा आपने? डी अशोक गहलोत। तो लगा दे, लगा दे, लगा दे। कमिटी मार्च है, डी अशोक गहलोत, ताला लगाइए। कौन बजाया ताले पीछे?
सही जवाब है ये। ओ गाइस इसी पे जप्पी जादू की जप्पी। अशोक गहलोत के पिताजी बाबू लक्ष्मण सिंह दक्ष उनका नाम, एक मशहूर जादूगर थे जो भारत के अलग अलग शहरों में जाकर के परफॉर्म करते थे। अपने बचपन में अशोक गहलोत जी अपने पिताजी के साथ बतौर असिस्टेंट जाते थे और उनके साथ वो परफॉर्म भी करते थे। वाह अशोक गहलोत, कैसे आपने ये नाम चुना? आज पता चला ये बुद्धिमान भी है, होनहार नहीं, बहुत लक्की भी है। रुमा जी, हमने सुना है कि आप विदेश जाना चाहती हैं और खास तौर से आपको जर्मनी जाना है और वहां आपको बहुत पसंद आया। जर्मनी जाके आ गई। कैसा रहा आपका अनुभव? फर्स्ट ट्रिप था जर्मनी का, बाहर विदेश जाने का मौका मिला। पहले ये बताइए कि मौका मिला कैसे आपको? हम कोई फेयर में थे तो हेम टेक्सटाइल करके जर्मनी में फेयर होता है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा फेयर होता है, तो उनकी टीम ने सर्च करके हमें सुना, मतलब इंडिया से मात्र एक एनजीओ को सिलेक्ट किया और वहाँ पे फ्री स्पेस दिया और हमें इन्वाइट किया। तो हमने जब सुना तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम विदेश भी जाएंगे। तो लोगों से पूछा कि जर्मनी है कैसा, वहाँ पे क्या लेके जाएं हम? आप बहुत सारे कपड़े लेके जाना। उसके साथ में वहाँ पे खाना भी नहीं मिलेगा, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो हम आटा सब्जी मसाले सारे साथ में लेके गए। पहले एक तस्वीर देख ले हम। ये है तस्वीर, ये आप ही हैं। पहली बार बर्फ देखा था। अब पहली बार इन्होंने बर्फ देखा। ऐसे क्या कर रही हैं हाथ से? बर्फ है। बर्फ देख रही हैं। तो बताइए जर्मनी में कैसा रहा आपका अनुभव? बहुत ही, मतलब हमें यकीन नहीं हुआ कि हम जर्मनी पहुंच गए। 10 घंटे का सफर करके हम जर्मनी पहुंचे। वहां पे हमने खाना बनाया और वहां के लोगों को खिलाया, तो उन्होंने इतनी तारीफ की कि हमने ताजी ब्रेड पहली बार खाई है। ऐसा बोला तो हमें बहुत अच्छा लगे कि हम अच्छा हुआ आटा लेके आए, नहीं तो हम भी भूख मर जाते। और जब हमारा वहाँ पे एग्जीबिशन था, वहाँ पे हम हमारे प्रोडक्ट को देख के लोग ऐसे असंभवित हो रहे थे कि ये वास्तव में हाथ से बना हुआ है या मशीन से। तो मैंने बना के दिखाया, ये ऐसे बनता है, सुई धागा लेके बैठ गई, सारी भीड़ इकट्ठा हो गई, सब फोटो ले रहे हैं साथ में, वास्तव में ये हाथ से बना हुआ है। इसके बीच में एक ऐसा हुआ कि पाकिस्तान से काफ़ी महिलाएं वहाँ पे शिफ्ट थी जर्मनी में, और वो हमें देख के इतनी भावुक हो गई कि हमारा मुल्क है जो मुझे, हमें ये जर्मनी में मिल गया है। क्योंकि हम, किसी की नानी राजस्थान से थी, किसी की दादी राजस्थान से थी, तो वो बेचारी रोने लगी। मैंने कहा ऐसा क्या होगा, नहीं आपकी ड्रेस देख के, आपको देख के हमें वहाँ हमारे मुल्क याद आ गया है। फिर वो नेक्स्ट डे आए तो टिफिन वगैरह पूरा बना के और हमारे लिए गाड़ी से छोड़ने करना, 2 दिन हमारे साथ में रहे, बहुत अच्छा रहा। ओके रुमा जी, सोनाक्षी जी, खेल को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न आने वाला है 12वां प्रश्न। कोई भी लाइफ लाइन नहीं बची है, अगर सही उत्तर नहीं हुआ तो नीचे आ जाइएगा 3:20 पर। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स जीतने वाली पहली भारतीय बनने के लिए पीवी सिंधु ने फाइनल में किसे हराया था? Who did पीवी सिंधु बीट इन द फाइनल टू बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स? ए नोजोमी ओकुहारा, बी कैरोलिना मरीन, सी मिया ब्लिचफेल्ट या डी साइना नेहवाल। अगर ये पूछा होता ना कि खेली कौन थी, मैं सिंधु बता देती। सही उत्तर देंगे 12:50। अगर गेस वक्त किया यहां और गलत हो गया तो नीचे गिर जाइएगा आप 3:20 पे, और आप क्विट कर सकती हैं कभी भी अगर आपको लगे कि आपको इसका उत्तर नहीं मालूम। I think it's Nozomi Okuhara. अगर आप श्योर हैं तो इसको हम ताला लगा देते। नहीं श्योर है
रिस्क लेना हमेशा जो है वो खतरनाक होता है क्योंकि नीचे पहुंच जाएंगे 3:20 पर। कौन सा बोल रही हूँ? मैंने पहले आप क्या नाम बता रही थी? नोजुमी ओकुहारा। ओके आप सर को बोल रही हूँ। आपका लक अच्छा चल रहा है, आपको क्या लगता है? मुझे मैंने नाम नहीं सुना इनका। चांस ले ले महिला भारतीय बनने कौन से देश में हुआ वर्ल्ड चैंपियनशिप सोचिए और फिर उसका उत्तर आप दीजिए। बनने के लिए चांस ले ले मुझे तो जोश नहीं। क्या करे भाई कोई बताएगा। I think it was Nozomi Okuhara. अगर आप तय हैं तो हम इसको ताला लगा देंगे। ताला लगा रहे इस पे ए पे ए पे।